हेलो दोस्तों, देखिए जैसा कि हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, अब ये गर्म हो जाए तो इस पे हम तेल डालेंगे। और तो चलिए तेल ले लेते हैं। तेल ले लिए हैं और इसमें डालेंगे, देखना रे कितना डालेंगे। और ये हमारा रेसिपी है जो हम तैयार किए हैं। ये हम करेला को बॉईल कर लिए हैं, इसका अंदर का बीज निकाल लिए हैं। और ये हम थोड़ा खड़ा प्याज किए हैं, लिए हैं इतना, 3 प्याज है। और इसमें हमारा मसाला है जो पीला सरसों है, लाल मिर्च है, एंड अदरक है, लहसुन है, और ये मसाला है। और ये टमाटो, 3 टमाटो लिए हैं जिसका हम ग्राइंड किए हैं। और ये 10 प्याज का है जो हम ये ग्राइंड किए हैं मिक्सर जार में। और ये आम का पेस्ट है हमारा, जो हम इस सारे आपको सब डाल के इसको थोड़ा फ्राई करेंगे ब्राउन। जैसा कि देखिए, अब कढ़ाई में तेल डाल दिए थे और ये गरम हो गया है। अब इसमें ना प्याज डालेंगे। गैस को स्लो फ्लेम पे तो कर देते हैं और ले लेते हैं छलनी। जैसे कि गैस बोले थे 2 मिनट में इसको ब्राउन कर लेंगे। ये ब्राउन हो गया है। अब इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे। एक साथ मसाला भी डाल दिया है। देखिए एक टमाटो है, ग्राइंड किए हुए, और आम पेस्ट है जो डाल देते हैं। अब इसमें हल्दी डाल देते हैं। दोस्त अब जैसा कि धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर, लाल मिर्च है और धनिया पाउडर है, तो इसमें से 2-2 स्पून डाल देंगे। जैसा कि डाल दिए दोस्तों, देख सकते हो। अब इसको 10 मिनट तक ब्राउन होने देंगे, तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाता है हमारा मसाला। करेले मसाला फ्राइड करके फिर बाहर निकाल के करेले में भरेंगे, फिर ये बनाएंगे तो आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए दोस्त, नमक डाल देते हैं हम, और इधर दाल। जैसा कि दोस्तों हम आपको बोले थे कि जो मेरा मसाला मैं फ्राई कर रही हूँ, तो मेरा ये रेसिपी तैयार हो गया है, बिल्कुल ये रेडी हो गया है। अब इसको हम निकाल रहे हैं थाली में। अब इसको करेले में भरेंगे और चले भरते हैं। देख लीजिए जी, तो देखिए मैं आपको बोली थी कि इसमें अब फ्राइड हो गया तो भरूंगी। ये नॉर्मल हो गया बिल्कुल, तो अब इसमें भर रही हूँ इसको। ये देखिए पूरा ये भरा हुआ है। और इसको जैसे कि हम कढ़ाई चढ़ा दिए थे गरम होने के लिए, हमारा गरम हो गया है कढ़ाई। अब इसमें तेल डालेंगे, इसमें मसाला भर दिए, ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब इसको फ्राई करना है, तो चलिए तेल डालते हैं। हम तेल डाल रहे हैं, अंदाज में डालेंगे जब तक हमारा तेल गरम हो जाता है, तब तक हम थोड़ा 2 मिनट वेट कर लेते हैं। जैसे गाइस हम 2 मिनट बोले थे तेल गरम करने के लिए, ऑलमोस्ट तेल गरम हो गया है। अब इसमें हमें डालेंगे जो हम भरे हुए हैं। डाल दिए हैं, अब फ्राई होकर निकालते हैं। सबके दोस्त हमारा करेला बन के रेडी है भरमा। सो
लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें।